Afternoon, everybody. बेटा हम लोगों ने कल शुरू किया था दिए जल उठे पाठ। मुझे कोई समराइज करेगा हमने क्या पढ़ा था? एनीबडी? मैं केवल एक को ही देख पा रही हूँ, रमनीक को, बाकी सब वीडियो बंद करके बैठे हैं। रमनीक बताइए बेटा क्या पढ़ा था हमने कल? आपकी आवाज नहीं आ रही है ना? रमनीक आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, बिल्कुल भी। आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करें रमनीक। ओके अश्वित आप बताइए बेटा क्या पढ़ा था कल के पाठ में हमने? मैम हमने इस पाठ में पढ़ा था कि वल्लभ भाई पटेल जो 7 मार्च को रास पहुंचे थे पहले, और उन्होंने वहां भाषण देना नहीं था, लेकिन पटेल को वहां आग्रह करने के लिए 2 शब्द कहने से स्वीकार कर लिया था उन्होंने। फिर उन्होंने वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसेट की अदालत में लाया गया, जहां उन्हें अपना अपराध कबूल करना पड़ा, लेकिन जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी, और उन्हें 8 लाइन लिखने को अपना फैसला लिखने 8 लाइन का अपना फैसला लिखने के लिए उन्हें 1.5 घंटा लग गया था, और 500 रुपए जुर्माना के साथ उन्हें 3 महीने की जेल कर दी गई थी। वह साबरमती जेल ले जाया गया। फिर वह अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं, गांधी जी ने यह कह दिया था। और जब वह वहां आश्रम के पास पहुंचे थे तो उन्होंने वहां गाड़ी रोकनी नहीं थी, लेकिन वल्लभ भाई पटेल का थोड़ा जोर इतना था, पुलिस वालों को मोटर अपनी रोकनी पड़ी, और वहां पे उन्होंने कहा था कि अब मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। ओके गुड। हमने कल के पाठ में पढ़ा कि गांधी मार्च की तैयारी के लिए वल्लभ भाई पटेल जो थे वो राज पहुंचे, राजपुरा का नाम है, वहां पहुंचे। वहां उन्हें भाषण नहीं देना था, लेकिन लोगों का कहने पर 2 शब्द कहने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लेना चाहती थी, लोगों के मन में डर बिठा देना चाहती थी। इसलिए उसी समय निषेध आज्ञा लागू कर दी गई, और निषेध आज्ञा का उल्लंघन पटेल जी की कोई गलती नहीं थी, उन्हें फिर भी जेल ले जाया गया, कोर्ट में ले जाया गया, जहां पर जज को खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस धारा के तहत सजा दी जाए और कितनी सजा दी जाए। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने के लिए उन्हें 1.5 घंटा लगा, और पटेल जी को 500 रुपए जुर्माना और 3 महीने की जेल हुई। लोगों ने इसका बहुत विद्रोह किया, गांधी जी भी बहुत ज्यादा दुखी हुए, और गांधी जी ने कहा कि दांडी कूच की तारीख बदल सकती है और वे 12 मार्च से पहले ही उसके लिए रवाना हो सकते हैं। अब आश्रम में हर व्यक्ति हिसाब लगाने लगा कि पटेल जी को साबरमती आश्रम में लाया जाएगा, कितने समय में वो यहाँ पर पहुंचेंगे। सबको ये लग रहा था कि गाड़ी नहीं रुकेगी और बाहर से ही पटेल जी के दर्शन करने पड़ेंगे, लेकिन उनकी सोच के विपरीत गाड़ी वहां पर रुकी। पटेल जी ने एक बड़ी ही छोटी मुलाकात आश्रम के वासियों के साथ और गांधी जी के साथ, और उनसे कहा कि मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है।
इससे उनका क्या अभिप्राय था, क्या कहना चाहते थे? उनका कहने का मतलब ये था कि सत्याग्रह की शुरुआत तो मैंने कर दी है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत मैंने कर दी है, जिसके लिए मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो साजिश है सरकार की, मुझे गिरफ्तार इसलिए कर लिया गया है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि ये सत्याग्रह हो। अब मैं तो जेल में जा रहा हूँ, आप सब पर इसकी जिम्मेदारी है, ठीक है, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। मतलब कि आप सब पर इसकी जिम्मेदारी है, सत्याग्रह को पूरा करने की जिम्मेदारी आप सब की है। ओके, उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि गांधी जी ने उसके लिए तैयारी शुरू कर दी, लेकिन पटेल जी की जो गिरफ्तारी हुई थी उसको लेकर सारे देश में बहुत ही प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय जी ने केंद्रीय असेंबली में प्रस्ताव पेश किया, उसमें कहा गया था कि बिना मुकदमा चलाए पटेल जी को जेल भेजना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी और प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि पटेल की गिरफ्तारी होना इसका मतलब यह है कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करना है, इस पर हमला करना है, और भारत की सरकार एक ऐसी उदाहरण पेश कर रही है जिसके बहुत ही बुरे परिणाम निकल सकते हैं। गांधी जी ने रास पहुंचने की तैयारी करनी शुरू कर दी। गांधी जी के रास पहुंचने के समय वो कानून लागू था जिसके तहत पटेल जी को गिरफ्तार किया गया था, निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञा कानून लागू था, ये याद रखिएगा, निषेधाज्ञा कानून। जब गांधी जी ने रास पहुंचना था तब ये लगा हुआ था कानून, और गांधी जी के रास पहुंचने से पहले ही अब्बास तैयब जी वहां पर पहुंच गए। उन्हें लगा कि हो सकता है गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, ऐसे में अगर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। पटेल जी को जेल भेज दिया गया, आंदोलन नहीं रुका, गांधी जी उसके लिए तैयार हो गए, अगर गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए तो अब्बास तैयब जी उसके लिए तैयार थे कि मैं उसको लेकर आगे चलूंगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रास में गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ, दरबार लोग भी वहां पर आ गए, दरबार को मैंने दिखाया था, जो रियासतदार थे जिनकी बड़ी बड़ी रियासतें थी, बहुत बड़ी बड़ी रियासतें थी, ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे थे, खूब धन दौलत था, खूब नौकर चाकर थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, अपने अपने क्षेत्र में सब खुश थे। उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उसके साथ जो गांव लगता था देवगढ़ वह थी, लेकिन ये दरबार लोग अपनी रियासतें छोड़कर, ये रियासतदार अपनी रियासतें छोड़कर गांधी जी के पास आ गए थे, वे भी आंदोलन में हिस्सा लेना चाहते थे। उनके लिए गांधी जी ने बाकी लोगों से कहा था कि आप इनके त्याग और हिम्मत से सीखे, इतना बड़ा इनका इनकी बड़ी रियासतें हैं इनकी, लेकिन उन्हें छोड़कर ये देशभक्ति दिखाते हुए आंदोलन में भाग लेने के लिए आ गए हैं, तो इनकी हिम्मत और इनके त्याग से हमें कोई ना कोई सीख लेनी चाहिए। ओके, फिर उसके बाद पेज नंबर 44 पर पढ़ना शुरू कर रही हूँ जहाँ हमने कल छोड़ा था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक में पहले गांधी से मिलना चाहते थे, जो 12 मार्च को गांधी जी ने कहा था कि हम आंदोलन शुरू करेंगे, और 21 मार्च को बैठक होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे कि गांधी उस बैठक में आए, मैं उनसे मिलना चाहती थी। उन्होंने संदेश भिजवाया जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को कह दिया कि मैं आपसे नहीं मिल सकता। जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस प्रमुख थे, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन गांधी जी ने उनसे भी मिलने से मना कर दिया। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा, अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो
तो इससे बचा भी नहीं जा सकता है। मैं उस समय जहां भी रहूंगा संदेश वहां तुमको वहां तक ले आएगा। उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो थोड़ी प्रतीक्षा करो, और मैं जहां कहीं भी होगा तुम्हें मैसेज भेजूंगा, तुम वहां पर आ सकते हो। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में, प्रयाण मतलब यात्रा, प्रयाण का मतलब है यात्रा, इस प्रयाण की घड़ी में, कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने पर के मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा सा भी विराम नहीं दे सकता। अंडरलाइन दृष्टि, मैं राष्ट्र के प्रमुख के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। गांधी जी ने कहा तुम राष्ट्र प्रमुख हो, पूरे देश के प्रमुख हो तुम, और मैं तुम्हारे लिए भी प्रयाण में विराम नहीं दे सकता हूँ। मैं जहां चल पड़ा हूं, जो मैं कर रहा हूं, मैं उसे बीच में छोड़कर तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकता। इस बात से क्या पता चलता है कि गांधी जी अपने नियमों के पक्के थे, अपने उसूलों के पक्के थे, और आंदोलन, दांडी मार्च या प्रयाण उनके लिए इतना आवश्यक था। इससे पता चलता है कि उनकी कितनी डेडिकेशन थी उसके प्रति, कितनी ज्यादा देशभक्ति थी उनमें, कि वह उसके लिए भी जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए भी प्रयाण के बीच में विराम नहीं देना चाहते थे। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। जो वल्लभ भाई पटेल को साजिश के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, तो आम लोग भी उस पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। आम लोग भी कह रहे थे कि ये ठीक नहीं हुआ। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांव की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया, पुश्तैनी होता है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा हो, जो मुखिया थे, जो वल्लभ भाई पटेल भी थे, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया था। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे। आधिपत्य मतलब जहां पर उनका पूरा स्वामित्व है, ब्रिटिश सरकार का, जहां पर ब्रिटिशर्स का पूरा प्रभुत्व है, पूरा आधिपत्य है, जहां उनका पूरा कंट्रोल है, वहां से शुरू करेंगे। किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे, लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। उन्होंने कहा था कि हम ऐसे रास्तों से जाएंगे जहां बड़ी बड़ी रियासतें ना आती हो। उन्होंने अपना एक पूरा मैप बनाया, किस रास्ते से उनको जाना है ये तय किया गया, लेकिन बीच में थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से उनको गुजरना पड़ा था। ऐसा ना करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा के कार्यक्रम पर पड़ता। उनको बीच में उस रियासत से इसलिए गुजरना पड़ा क्योंकि अगर वो रास्ता बदल के जाते तो 20 किलोमीटर ज्यादा रास्ता उनको तय करना पड़ता और जो पूरा कार्यक्रम था उसमें बाधा आ जाती। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबू में रुके। तंबू मतलब टेंट। रास की आबादी करीब 3,000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे। उनकी जो जनसभा थी उसमें 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। रास पहुंचे थे, रास से यात्रा शुरू हो रही थी। रास की जनसंख्या 3,000 थी, 3,000, लेकिन 20,000 लोग वहां पर मौजूद थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। वो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, आपको आजादी दिलवाना चाहते हैं, देश को आजादी करवाना चाहते हैं, आपको आजादी दिलवाना चाहते हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा करते हुए उन्हें ये सजा नहीं है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया कि जो लोग सरकारी नौकरियां कर रहे थे
उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं। बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े रियासतदारों ने रियासतें छोड़ दी। जो लोग सरकारी नौकरियां कर रहे थे उन्होंने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। पटेल जी ने अपनी गिरफ्तारी दे दी और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, उन्हें भी अपने निजी कुछ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। थोड़े पैसों के लालच में, रियासतों के लालच में उन्हें नहीं आना चाहिए और सरकारी पदों से इस्तीफे दे देने चाहिए और अपनी देशभक्ति की भावना दिखानी चाहिए और इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं है? जो लोग अभी भी सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, सरकार का साथ दे रहे हैं, क्या उन्हें सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार दिखाई नहीं दे रहे? क्या उन्हें यह नहीं पता चल रहा कि सरकार हमें किस तरह से लूट रही है? क्या उनकी अभी तक आंखें नहीं खुली है? उन्हें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, सरकारी पदों से इस्तीफे दे देने चाहिए, गवर्नमेंट पोस्ट छोड़ देनी चाहिए। गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल फिर आए हैं, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो ये अच्छी बात है, मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलेगी? कहते हैं कि जो लोग राजद्रोह करते हैं, गांधी जी ने कहा जो लोग राजद्रोह करते हैं उन्हें काला पानी की सजा दी जाती है, देश निकाला दे दिया जाता है, फांसी हो सकती है। अगर मेरे जैसे देशभक्त लोग जो इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, अगर वो अपने आप को राजद्रोही कह दे कि हम राजद्रोही हैं तो क्या होगा? कहते हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए तो अच्छी बात ही होगी, सरकार को शर्म आएगी। सत्याग्रही शाम 6 बजे तक रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। अब यात्रा शुरू हो गई है, 6 बजे शाम को यात्रा शुरू हुई और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से भी थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेगी। अब रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसका नाम था मही। मही नदी कैसे पार करनी है, ये बहुत बड़ा विषय था। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार, बयार मतलब हवा, नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। ठंडी हवा चल रही थी। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। स्वराज मतलब अपना राज्य, नमक आंदोलन, ये हमारे नमक पर टैक्स लगाया जाता है, हमारा ही नमक है, हमारे समुद्र से निकलता है और हम ही टैक्स भरते हैं, अपना स्वराज लेकर वापस आना। 105 साल की बूढ़ी महिला ने उनका तिलक किया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। ब्रितानी मतलब ब्रिटिश शासन, ब्रितानी ब्रिटिश, कुशासन, कुशासन मतलब बुरा शासन, जो ब्रिटिश कुशासन था उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा, इस राजा में रंग से राजा तक सब सुखी है। इस राज में, ये जो राज है ब्रिटिश राज जो है, इसमें राजा रंक अमीर गरीब सब दुखी है। राजे महाराजे जैसे सरकार नाचती है, नाचने को तैयार है। जो अपनी अपनी रियासतें लेकर राजे महाराजे बैठे हुए हैं, जैसे जैसे उन्हें सरकार कहती है वैसे वैसे ही वे सब
करते हैं। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए। संहार करना चाहिए मतलब इसको नष्ट करना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। रास्ते में रतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार में कर ले। पैदल मार्च था, गांधी यात्रा पैदल यात्रा की गई थी, आप सबको पता है। लेकिन क्योंकि रास्ते में कुछ रेगिस्तानी एरिया था, कुछ रेतीला एरिया था, तो यह कहा गया कि गांधी कुछ सफर कार से कर ले। गांधी ने इसके साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का उपयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है, धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहे, लोगों का दुख सुख समझे, तभी सच्ची यात्रा होती है। दांडी मार्च धर्म यात्रा थी। क्यों? ये उनके लिए धर्म यात्रा थी। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जब कोई धर्म यात्रा करता है, अगर किसी वाहन में बैठकर करे, हवाई जहाज, मोटर बैलगाड़ी में यात्रा करे, तो उससे उसका लाभ नहीं मिलता। ये सच्ची यात्रा नहीं है। यात्रा वही होती है जिसमें हम कष्टों को सहे, दूसरों का दुख सुख समझे, वही सच्ची यात्रा होती है। और गांधी मार्च गांधी के लिए धर्म यात्रा से कम नहीं था। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। उनको लगा कुछ ऐसे लोग थे जो सोचते थे, ब्रिटिश शासन में कुछ ऐसे लोग थे जो ये सोचते थे कि गांधी वही नदी के किनारे पर पहुंचेंगे, मतलब वहां पर पहुंचेंगे, यात्रा करेंगे, वहां पहुंचेंगे और वहां पर नमक बनाएंगे और कानून को तोड़ देंगे। कानून बनाना जो था, नमक बनाना जो था, वो गैर कानूनी कर दिया गया कि आप नमक नहीं बना सकते वहां पर। उन्हें लगा कि गांधी वहां पर नमक बनाएंगे और कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। हमें पता ना, समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें नमक होता है, ठीक है? तो जो समुद्र की लहरें आती हैं, वो नमक छोड़ जाती है और उस नमक की रखवाली के लिए सरकारी चौकीदार वहां पर रखे जाते हैं कि कोई नमक ना उठाए, कोई नमक ना बनाए, कोई उसका ट्रेड ना करे। इस तरह से गांधी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को यह पता था कि यहाँ पर नमक बन सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट के से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि उसका खतरा ही ना रहे। एक वरिष्ठ अधिकारी को, एक ऑफिसर को पता था कि गांधी अपनी बात के पक्के हैं। गांधी जी जो कहते हैं वो वही करेंगे। अगर उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पर नमक नहीं बनाऊंगा, मैं कोई कानून नहीं तोड़ूंगा, केवल आंदोलन करूंगा, तो कानून नहीं तोड़ेंगे। अब कितना भी नमक यहाँ पर पड़ा रहने दे, गांधी नमक नहीं बनाएंगे, क्योंकि वे अपनी बात कह चुके हैं। गांधी जी की बहुत सारी खासियत हम लोग पढ़ते हैं, बहुत कुछ हमने उनके बारे में सुना है। अहिंसा के पुजारी थे, कभी बात नहीं थे। उन्होंने कहा था कि हमें आंदोलन करके, बातचीत करके आजादी प्राप्त करनी है, ठीक है? गांधी जी अपने काम खुद करते थे। हमने सेवन्थ क्लास में नौकर चैप्टर में पढ़ा था, सिक्स क्लास में नौकर चैप्टर में भी पढ़ा था कि अपने काम खुद करते थे, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते थे। और गांधी जी की सबसे बड़ी ये भी खासियत थी कि गांधी जी जो कहते थे वही करते, नियम जो लागू कर दिए जाते थे नियमों का पालन करते थे। ऐसी एक घटना है कि गांधी जी एक बार जेल में थे। जेल में वो कैदी होते थे, हम लोगों ने पढ़ा भी था, अगर आपको याद हो, कि कोई उनके लिए खाना लगाता था, कोई उनकी चारपाई बाहर निकालता था,
कोई खाना परोस कर देता था, कोई उनका कोई काम करता था, कोई कोई काम करता था। ऐसे ही कैदियों का एक हैंगर था जो गांधी जी को वहां पर अखबार पढ़ने की मनाही थी। जेल में रहते हुए गांधी जी से भी कहा गया कि आप अखबार नहीं पढ़ेंगे, अगर अखबार पढ़ेंगे तो उन्हें बाहर की सारी एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा और उसके अकॉर्डिंगली अपना काम शुरू कर देंगे, अपना दिमाग लगाएंगे ये करना चाहिए वो करना चाहिए। उस समय जेल में रहते हुए उन्हें अखबार पढ़ने के लिए मना कर दिया। जो कैदियों का हेड था सोमाली बॉर्डर जो था, सोमाली बॉर्डर कहते हैं उसको जो होता, वो चाहता था कि गांधी जी अखबार पढ़े। वो हर बार उन्हें कहता कि आप अखबार पढ़ो, गांधी जी मना कर देते कि मुझे अखबार पढ़ने की अनुमति नहीं है, मैं अखबार नहीं पढ़ती। लेकिन वो हर बार कहता, गांधी जी हर बार मना करते, हर बार कहता, हर बार मना करते। जब उसने देखा कि गांधी जी अपने वादों के इतने पक्के हैं और गांधी जी जो कहते हैं वही करते हैं, उन पर जो नियम लागू कर दिए जाए वो रूल्स रेगुलेशन को कभी नहीं तोड़ते हैं, तो वो जो कैदी था वो भी उनका शिष्य बन गया। उसने गांधी जी को अपना गुरु बना लिया, उनका अनुयायी बन गया, उनका शिष्य बन गया कि गांधी जी जो कहते थे वही करते। अब उन्होंने कहा था कि वहां पर मैं नमक नहीं बनाऊंगा, केवल आंदोलन करूंगा, तो अधिकारी को पता भी था कि वो नमक नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी सरकार ने वहां से नमक के भंडार उठवा दिए और नमक नष्ट कर दिया ताकि इस बात का खतरा ही ना रहे। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी के भाषण के साथ समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए। समुद्र का पानी चढ़ने पर जब समुद्र पूरा भरा होता है, उफान पर होता है, तो लहरें बहुत तेज होती हैं। और कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया और यह तय किया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए, ताकि क्यों पार किया जाए, ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। लहरें जब उठती है समुद्र में, नदी में, तो लहरों के साथ साथ रास्ता आसानी से पार हो जाता है। जहां जहां जैसे जैसे लहरें जाती है वैसे वैसे आसानी से रास्ता पार हो जाता है। उन्होंने कहा कि दलदल और कीचड़ में कम चलना पड़े। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर की दलदली जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया। कहते मैं किसी के कंधे पर भी नहीं चढ़ूंगा, ये मेरी धर्म यात्रा है, मुझे पैदल चलकर पार करनी है, तो मैं पैदल खुद ही चलूंगा, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया। आधी रात का इंतजार करते हुए मही के तट पर उस गुप्त अंधेरी रात में जैसे मेला लगा हुआ, दुनिया थी, गुप्त अंधेरा था, आधी रात थी, नदी का किनारा था, लेकिन जैसे मेला लगा हुआ था। भजन मंडलियां थी, डांडिया रास में निपुण दरबार थे, उनके गीत के बोल थे, देखो गांधी का दंडिया रास, देखो वल्लभ का दंडिया रास, दांडिया रास सरकार का नाश, ये जो दांडी मार्च है सरकार का नाश कर देगा, देखो विठल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुरा पहुंच गए। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। निषाद राज कौन थे, कोई बताएगा मुझे, निषाद राज कौन थे, एनीबडी? नो वन, ओके, शिवा, यस शिवा, निषाद राज कौन थे? मैम जब श्री राम जी नदी पार करनी थी तो उन्होंने नदी पार कराई थी, जब वो केवट केवट की बोट में बैठे थे। वेरी गुड इवा। जब श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता मैया के साथ वनवास के लिए गए थे तो उन्हें
नदी पार करनी थी, सरयू नदी पार करनी थी, उस समय निषाद राज ने उन्हें अपनी नाव में बिठाकर नदी पार कराई थी। इसलिए सत्याग्रहियों ने रघुनाथ काका को निषाद राज कहना शुरू कर दिया। जैसे उस समय निषाद राज ने श्री राम को नदी पार कराई थी, अब ऐसे ही रघुनाथ काका गांधी जी को नदी पार कराएंगे। अब नदी पार की गई, कैसे की गई, ये हम कल पढ़ेंगे। ओके, जितना हमने पढ़ा है बेटा इसको रिवाइज करिएगा, कल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बेटा।